नमस्कार दर्शकों, मैं अशोक जोशी। हमारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, हम सड़कों से गुजरते हैं तो अनेक दृश्य देखने मिलते हैं। सामान्य दृष्टि से ये दृश्य आए गए हो जाते हैं, लेकिन पत्रकार की दृष्टि से ये दृश्य समाचार बन के उभरते हैं। आइए ऐसे ही कुछ दृश्यों की हम चर्चा करें। अमरावती के आरटी ऑफिस के सामने का लेटर बॉक्स देखिए। यह सन 2001 में लगाया गया था। इसकी हालत आप देख सकते हैं। लाख मनाई करने पर भी गांधी पुतले के सामने विज्ञापन के फलक लगा दिए जाते हैं, जिसे देखना महानगर पालिका का बाजार परवाना विभाग का है, लेकिन वे अपने काम में सदा कोताही बरते हैं। कारण कुछ भी रहा हो, या तो बोर्ड लगाने वालों से उनका लेन देन बना हो, या उन्हें फुर्सत न मिलती हो। अमरावती के विकास पुरुष ये नाम का बिरुद पाने वाले हमारे पूर्व पालक मंत्री सुनील भाव देशमुख, इनके अगवानी में ₹165 करोड़, जी हां मित्रों, ₹165 करोड़ की लागत से इरविन से लेके राजापेट तक का फ्लाईओवर बनाया गया है। ये फ्लाईओवर बना उस दिन से, अनेक मृत्यु हुए इसके ऊपर, कि इस ब्रिज का, इस ओवर ब्रिज का ड्रेनेज पाइप जो लगे थे, वो सारे ड्रेनेज पाइप में से कुछ पाइप टूट पड़े हैं, जो वहां डालकर रख दिए गए हैं, शायद भंगार वालों के लिए। उसे लगाने की फुर्सत नहीं है। पढ़े लिखे हैं हम लोग, यूनिवर्सिटी के अंदर अतिथि भवन है, उस अतिथि भवन में बिल्कुल सामने बोर्ड लगा के रखा है, नो पार्किंग, वाहन पार्क करने की वहां जगह नहीं है। फिर भी ठीक दरवाजे के सामने वाहन पार्क किए जाते हैं। क्या कहेंगे इसे? ये दृश्य सामान्य नहीं, समाचार बनते ही है।